हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को IRCTC का जो PNR होता है उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो सभी को पता होगा दोस्तों। इसमें कोई नई बात नहीं है, बट आपको उस PNR में पैसेंजर के डिटेल्स कैसे पता करना है वो बताऊंगा। दोस्तों, आप IRCTC से टिकट निकालते हो, आप लॉगिन करते हो, उसके बुक माई हिस्ट्री में जाके चेक करते हो, आपको PDF डाउनलोड हो जाता है, सामने वाले का नाम पता जो भी आपने टाइप किया था सारा PDF टिकट का तैयार हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप IRCTC से जो हम काउंटर से टिकट निकालते हैं, जिसके अंदर आप सभी को पता होगा कि उसके अंदर सिर्फ मेल, फीमेल और एज होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो वो चीज़ मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बहुत सारे यूट्यूब्स के वीडियो देखे, बट मुझे कहीं पे भी ठीक से मिला नहीं। जिस ऐप के थ्रू हम पैसेंजर का डिटेल्स चेक करते हैं, पूरा नाम तो नहीं पता चलेगा, लेकिन दोस्तों फर्स्ट नेम क्या है और सरनेम क्या है वो फर्स्ट लेटर दिख जाता है। फर्स्ट नेम पूरा आपको दिख जाएगा सामने वाले का, और जो सरनेम रहता है उसका स्टार्टिंग का लेटर दिख जाता है। तो इससे एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि उसका नाम क्या है। ठीक, तो दोस्तों मैं आपको उस ऐप के बारे में बताऊंगा, उस ऐप में किस तरीके से जाना है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं PNR स्टेटस चेक करता हूँ इंडियन रेलवे के वेबसाइट पे, तो मैं क्या, आप भी अगर चेक करोगे तो क्या दिखाता है, सबको पता है हम PNR नंबर एंट्री करते हैं, वहाँ पे हमें कुछ कैप्चा वगैरह पूछता है, वो हम जैसे एंट्री करते हैं वहाँ हमें आता है पैसेंजर का जो गाड़ी रहेगी, गाड़ी के डिटेल्स दिखते हैं, कब का है बोर्डिंग वो दिखता है, कहाँ से बोर्डिंग है वो भी दिखता है, और यहाँ पे आप देखोगे पैसेंजर 1, पैसेंजर 2, पैसेंजर 3, पैसेंजर 4 ऐसे नाम लिख के आता है, बट विच पैसेंजर, पैसेंजर का नाम क्या है वो नहीं बताया जाता ड्यू टू सिक्योरिटी। बट दोस्तों हमें जानना होता है, कभी आप मान लीजिए किसी एजेंट से टिकट निकलवाए, आपको नाम पता नहीं है प्रॉपरली, नाम आपका डाला है नहीं डाला है, क्या इश्यूज है, तो एटलीस्ट टू नो द नेम, कौन कौन से नाम है उस टिकट पे, आप काउंटर पे तो जाके चेक नहीं करवाओगे, वो चार्ट निकलने के बाद आप जरूर देख सकते हो ट्रेन में जाके, लेकिन उससे पहले अगर जानना है तो आप खुद इस ऐप के थ्रू खुद से चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, देखते हैं आगे। तो दोस्तों अभी स्क्रीन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह मेरा मोबाइल है। तो मोबाइल में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम जब PNR स्टेटस चेक करते हैं तो कैसे दिखता है, और हम जो अभी न्यू ट्रिक निकाले हैं उसके थ्रू कैसे पता चलेगा आपको वो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, आपको लगा हो कि यूज़फुल वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी भाइयों तक ये चीज़ पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप क्रोम ओपन करेंगे, क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पे PNR स्टेटस सर्च मारेंगे। तो ये दोस्तों हम सभी को पता है कि कैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं PNR स्टेटस ऑफ IRCTC ट्रेन, किसी भी जैसे इंडियन रेलवे के वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे मुझे कोई भी PNR नंबर सर्च करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल ले लिया है, इसे मैं कॉपी करके रख लेता हूँ दोस्तों। अब सबमिट किया, यहाँ पे जो कैप्चा आता है आपको, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैप्चा हम डालते हैं, तो कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे सर्वर कनेक्शन फेल्ड, लेट्स सी दोस्तों एक बार हम और बार चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप दोस्तों आ गया है डिटेल्स, यहाँ पे पैसेंजर 1 कहाँ से टिकट है, किस तारीख को है, कहाँ तक का है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाते हैं। बट ये पैसेंजर का अगर नाम हमें चेक करना है कि क्या है, तो हम किस तरीके से चेक करेंगे वो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको ओपन करना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आप सर्च मारिए ट्रैक माई ट्रेन, ट्रैक माई ट्रेन लाइव वाला जो है ये, वेयर इज़ माई ट्रेन, देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाला नहीं लेना आपको, आपको लेना है ट्रैक माई ट्रेन लाइव, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये। तो ये आप जैसे इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, PNR स्टेटस। तो PNR मुझे दो दिख रहे हैं यहाँ पे, जो ऐसे मैंने पहले वाला देखा था, तो मैं उस वो वाले का चेक करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अभी स्टेटस कैसे दिख रहा है, पैसेंजर का नाम दिख रहा है यहाँ पे, पैसेंजर का नाम में जैसे CJ, तो ये फर्स्ट नेम में उसने जो जिसने भी टिकट बनाया रहेगा उन्होंने सिर्फ सी ही नाम रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर फुल नेम लिखा हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो BHA, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा नाम ही है या नहीं है टिकट पर, आप इससे पता कर सकते हो कि यस योर नेम इज़ देयर और नॉट। बिकॉज अगर मुझे पता है कि ये क्या BHA VANA भावना हो सकता है या फिर भाविक कोई भी चीज़ हो सकता है, तो जो नाम है एटलीस्ट आपको पता चल जाता है।
बाकी अगर आपके पास पैसेंजर वन पैसेंजर टू रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो एटलीस्ट हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पैसेंजर का नेम क्या है। तो इस तरीके से आप इस ऐप के थ्रू चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों ये शेयर करिए। थैंक यू।